ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है, जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं, आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं। बहते हैं जब आंसू मेरे,
दस्ते बयां, ये बाइबल 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 मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का बच्चों, आपको ग्लैडिस आंटी का नमस्कार। मुझे बताओ, क्या आप एक सफल जीवन पाना चाहते हैं? तो आज की कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की कहानी का शीर्षक है सफलता का रहस्य। किसी गांव में रमेश और दीपक नामक दो मूर्तिकार रहते थे। रमेश की बनाई प्रतिमाएं इतनी सुंदर होती थी कि लोग उन्हें मुंह मांगे दामों पर खरीद लेते थे। दीपक की मूर्तियां कोई नहीं खरीदता था। एक दिन दीपक ने देखा कि रमेश प्रतिमाएं बनाने में व्यस्त है। उस समय पास से एक सेठ की बारात गुजर रही थी। बारात में बहुत सारे लोग शामिल थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे और आतिशबाजियां भी हो रही थी। रमेश प्रतिमाएं बनाने में व्यस्त रहा, उसने बारात की ओर देखा तक नहीं। यह देखकर दीपक रमेश के पास पहुंचा और बोला, अभी यहां से बारात गुजरी थी। गांव के सभी लोग ने अपने काम काज छोड़कर बारात को देखा, पर तुमने तो नजर भी नहीं उठाई। दीपक की बात सुनकर रमेश भौचक्का रह गया। उसने आश्चर्य से कहा, तुम किस बारात की बात कर रहे हो? मैंने तो किसी बारात से गुजरने की आवाज तक नहीं सुनी। दीपक ने कहा, अरे भाई, कुछ ही देर पहले एक बारात गुजरी है। सभी ने उसे देखा और ढोल नगाड़ों की आवाज भी सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता ही न लगा हो? दीपक की बात सुनकर रमेश बोला, मैं जब अपना कार्य करता हूं तो मेरा संपूर्ण ध्यान सिर्फ उस कार्य पर ही केंद्रित रहता है। यहां तक उस समय मुझे अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। रमेश की बात सुनकर दीपक को उसकी सफलता का कारण समझ में आ गया। वह जान गया कि एक कलाकार के लिए एकाग्र सबसे बड़ी चीज है। उस दिन से वह ध्यान लगाकर काम करने लगा। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपना ध्यान कहीं मत भटकने देना। जो भी काम करने लोगे उस पर अपना सारा ध्यान लगा देना और देखना कैसे सफलता आपके पास आती है। और ऐसा करने में परमेश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं। मुझे पत्र द्वारा हमेशा बताते रहना। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप यीशु के जीवन और उनके शिक्षाओं या फिर स्वास्थ्य विषय पर पत्राचार द्वारा अध्ययन करना चाहते हो, तो हमें इस पते पर लिखें, वॉइस ऑफ प्रोफेसी 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं। स्तुति करूंगा मैं, स्तुति करूंगा, स्तुति
करूंगा, मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। घबराएंगे, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा शम्मा
संग संग रहता है। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रवीषु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, पौलुस मसीह के कारण क्लेशों में भी धन्यवाद एवं आनंदित रहने के लिए प्रेरित करता है। पौलुस ने ऐसी परिस्थितियों में आनंदित रहना सीखा था। अतः पौलुस इस कलीसिया के लिए अनुग्रह तथा शांति की मांग परमेश्वर से करता है। हम देखते हैं दूसरा ग्रंथियों एक उसका तीन पद में, वहां पौलुस ने हमारे पिता परमेश्वर लिखा था। यहां वो लिखता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता, हम जल तथा आत्मा से जन्म लेने अर्थात नया जन्म प्राप्त करने के द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह को पुत्र होने का पद उसके चमत्कारी रूप से उत्पन्न होने तथा उसके जी उठने के द्वारा मिला। पिता से उसका संबंध अनूठा था क्योंकि वो पिता का इकलौता था। इब्रानियों का लेखक भजन संहिता 2:7 का हवाला देता है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। तथा वो इसका संबंध हमारे प्रभु यीशु के जन्म के साथ करता है। पौलुस ने इसी हवाले का उपयोग अंतिकिया में यहूदियों को दिए गए उपदेश में किया था तथा उसका संबंध जी उठने के साथ स्थापित किया था। हम परमेश्वर को हमारे पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध के कारण कह सकते हैं कि उनके लिए जिन्होंने उसे स्वीकार किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया तथा जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। सब प्रकार के शांति का परमेश्वर ही है। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। ऐसी शांति जो अन्य स्रोत से मिलती है वो वास्तविक नहीं होती। हां, परमेश्वर जिसे शांति देता है वो ऐसे मनुष्य को दूसरों को शांति देने के लिए प्रयोग कर सकता है। कुरिन्थ के लोगों को स्मरण रखना था कि परमेश्वर ऐसे पिता के समान है जो क्लेश तथा परेशानी के समय अपने बच्चों पर तरस खाता है। कुरिन्थ में क्लेश तथा क्लेश उत्पन्न करने वाले थे, किंतु पिता उन सब के विषय में जानता था।
पुराना नियम में इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरियों पर दया करता है। किंतु नया नियम में अपने प्रभु के मानव रूप में हम इसका प्रदर्शन उसके द्वारा रोगियों को चंगा करने, अंधों को आंखें देने, कंगालों को सुसमाचार सुनाए जाने के रूप में देखते हैं। शांति का परमेश्वर ऐसा है जैसे यदि उसे पुकारा जाए तो वो असहाय, निराश, दबे कुचले व्यक्ति के बराबर में आकर खड़ा हो जाता है। परमेश्वर ने पौलुस को उस समय शांति दी जब उसने मृत्यु का सामना किया तथा निश्चय दिलाया कि मसीह जीवित है। परमेश्वर पौलुस के समस्त क्लेशों में केवल उनके लिए ही सहायता करने नहीं आया, किंतु इसलिए आया कि पौलुस इस आशीष को दूसरों को बांटे, दूसरों को साझीदार बनाए। उसने कुरिन्थियों को बताया कि परमेश्वर ने कैसे उसे छुटकारा दिया तथा वो भी अपने पाप में व्यवहारों तथा झूठे शिक्षकों के प्रभाव से मुक्त हो सके। मसीह के दुख से तात्पर्य उन दुखों से है जिन्हें यीशु ने अपने प्रचार कार्य के दौरान दूसरों के कारण सहा, दूसरों की सहायता के कारण उसे सताया गया, कुचला गया, अंत में क्रूस पर चढ़ा दिया गया। जितने भी उसके शिष्य बनना चाहते थे उन्हें उसका क्रूस उठाने, उसके दुख का प्याला पीने, उसके समान दुख उठाने की आवश्यकता थी, किंतु पौलुस को उसके दुखों में मसीह के द्वारा शांति प्राप्त हुई। जिन बातों में यीशु ने दुख उठाया उनसे उसे मृत्यु तथा पुनरुत्थान मिला, जो भविष्य में उनके लिए उद्धार का कारण बना, जो उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे उसके पुनरुत्थान की समानता भी प्राप्त कर सके। मसीह के दुखों ने पाप से उद्धार दिया, क्योंकि उसने पाप मिटाने के लिए दुख उठाया। पौलुस दुख, शांति और उद्धार लाए, पाप मिटाने के अर्थ में नहीं अपितु दूसरों को प्रोत्साहन करने के अर्थ में, जिससे दूसरे लोगों भी पौलुस के समान धीरज से कष्ट सह सके। मेरे मित्रों, हम इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में हमें काफी दुख उठाना है मसीह के लिए, उसके काम के लिए। कुछ लोग छोटी सी दुखों में घबरा जाते हैं और परमेश्वर को कोसते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे दुखों में, हमारे तकलीफों में, हमारे बीमारियों में हमारी सहायता करता है, हमें शक्ति देता है, हमें धीरज देता है और हमें ताकत देता है। क्या आप ऐसे परमेश्वर को पुकारेंगे जो आपको बीमारी में, तकलीफों में सहायता दे सके? आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आज प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो दुखी हैं, बीमार हैं, तकलीफों में हैं। परमेश्वर पिता, तू उनके साथ हो, उनके क्लेशों को खुदावन तू अपने ऊपर ले, उन्हें धीरज दे, उनके कष्टों में तू उनकी सहायता कर, उनके पापों को तू माफ कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702।
1702। मेरी ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है AWR हिंदी एशिया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।